हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर हमारा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। हम कर चुके हैं 11th क्लास में भी, हमारे पास चैप्टर आया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना। तो उसी से यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिंक मिलेगा आपको। तो देखो, पहले हम बात करते हैं हमारे पास व्हाट आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ डिफाइंड हो। जैसे मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ हमारे पास कॉन्टिन्यूस मिले, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब जैसे टेंजेंट 90 की बात करते हैं हम, टेंजेंट 90, ठीक है, वो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड है वो। तो 90 पे टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी फॉर्म आ जाए आपके पास जैसे साइन 0/0, ठीक है, 0/0, ये भी क्या होती है हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, बाय में 0 या 90 मिले जिसमें नॉट डिफाइंड हो, या 0/0 हो, तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास होते हैं डिसकॉन्टिन्यूस। ओके, अब बात करते हैं इसकी मैथ के रेफरेंस में कैसे होती है इसकी। तो हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है fx, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। एक कोई a रियल नंबर हमारे पास है, तो वो फंक्शन हमारे पास दे दिया fx, और ये fx ए पे कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इफ एफ ए एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स के जगह पे पुट करने के बाद, है ना, हमारे पास जो रियल वैल्यू आए। ठीक है, ये जो फॉर्म थी ना, ये हमारे पास ये नहीं आनी चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए के इक्वल आए, है ना। x टेंड्स टू a है, यहाँ पे 0 नहीं, x टेंड्स टू a। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिमिट की फॉर्म में लेंगे ना उसको। ठीक है, तो वो वैल्यू निकाल लेंगे, वही वैल्यू जब हमने वहाँ पे x की जगह पे a पुट किया, दोनों हमारे पास जो है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हम लिमिट कैसे निकालते हैं वो सारा 11th में कर चुके हैं, एक बार दोबारा सुन लो कैसे निकालते थे। पहले हम निकालते हैं जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं हम एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू जो है वो ए से जस्ट मतलब पहले थोड़ी सी छोटी है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एज एक्स टेंड्स टू ए एच टेंड्स टू 0। ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। उसमें हमारे पास क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। उसके बाद वही है, एज एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एच टेंड्स टू 0, और जो हमारे पास यहाँ फंक्शन बनेगा अब वो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट और उसका एफ ऑफ ए आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं हमारे पास हमेशा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो देखो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि एक फंक्शन दे रखा है x की पावर n, ये कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू n पे। ठीक है, और जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको,
हमारे पास फंक्शन कब होता है कॉन्टिन्यूस, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल हो, ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर क्या करो, एक बार निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार निकालो राइट हैंड लिमिट, सबसे बेस्ट तो यही होता है ऐसे करना, ठीक है। पर क्वेश्चन जो इजी है उनको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स, हमारे पास गिवन है एक्स की पावर एन और एन बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है। तो एफ ऑफ एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन की पावर एन, तो ये हमारा एफ ऑफ ए आ गया ना, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन की पावर एन, जहां पे एक्स था वहां पे एन पुट कर दिया। अब ये निकालते लिमिट वाला, ठीक है, तो लिमिट हो हमारे पास साथ में एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो जहां पे एफ एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, वहां पुट कर देंगे एक्स की पावर एन, ठीक है। अब ये एक्स की पावर एन का मतलब क्या हुआ कि एक्स की मल्टीप्लाई एन टाइम्स है, ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई एन टाइम्स है। अब क्या है हमारे पास, जहां पे एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे एन, ये एन है यहाँ पे, ठीक है, जहां पे एक्स वहां क्या पुट कर देंगे एन, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एन की पावर एन इक्वल आएगा ना आपस में, इसका मतलब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख इसको एक बार कैसे लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एन, तो नई वैल्यू हमारे पास आई है एन की पावर एन, तो देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास देखो, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू थ्री इफ, जो हमारे पास फंक्शन है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बाय में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, और जो फाइव बाय थ्री वैल्यू कब है, एक्स इज इक्वल टू थ्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो था ना एफ ऑफ ए, ये गिवन है फाइव बाय थ्री, हमें ये निकालना है यहाँ पे, है ना। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, अब यहाँ पे आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे अपना लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ हम अगर मान लो थ्री पुट करते हैं ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो बाय जीरो की फॉर्म में आएगा, जिसको हमें हमेशा अवॉइड करना, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो बाय जीरो की फॉर्म में यहाँ पे नहीं आना चाहिए आंसर, तो कैसे करेंगे, इसको फैक्टर बनाए करेंगे ना, ऐसा हम कर चुके हैं इलेवंथ में, जिसने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अब कर लो, इसके फैक्टर बनाएंगे ना, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू, ठीक है। और इसके फैक्टर क्या आएंगे, माइनस थ्री और माइनस टू प्लस करें तो क्या होगा, माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा ना, तो इसके फैक्टर आएंगे हमारे पास माइनस थ्री और प्लस का वन, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो गया, हमेशा फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि कैंसिल नहीं हुआ ना, तो जो पहले हमारे पास थी जीरो बाय जीरो की फॉर्म वो भी रहेगी, लेकिन कैंसिल होने के बाद जो फॉर्म वो बच जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स टेंड्स टू थ्री, इसका मतलब क्या हो गया कि पुट कर देंगे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे थ्री, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू और बाय में थ्री प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव बाय फोर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास एफ ऑफ थ्री था वो कितना था, फाइव बाय थ्री, आपस में इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लिख देना लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो देयर फोर जो एफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, ओके। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे चेक करनी है फंक्शन की कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, और जो हमारे पास फंक्शन है
वो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x बाय में एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो यहाँ पे हमारे पास ये एफ ऑफ ए दे दिया 8। अब यहाँ पे हमें एफ ऑफ ए निकालना लिमिट के हिसाब से ना, अगर हमारे पास उसका आंसर 8 आ जाए ना तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, तो बिल्कुल ईजी है, इसको हम करते हैं। अब इसमें हमारे पास दिक्कत क्या होगी कि देखो x यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे निकालेंगे एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो देखो पहले हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की, है ना। उसमें क्या हो जाएगा, देखो लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस कोस 4x और बाय में क्या बना क्वेश्चन में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट करना है, 0 माइनस h, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, एज x टेंड्स टू हमारे पास है 0 नेगेटिव, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच ही उसका ना, अपॉन में माइनस एच का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये कोस थीटा पता होगा सबको ये, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये हमारे पास प्लस का ये हो जाएगा ना, तो माइनस का रहेगा फिर ये, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाय में क्या हो जाएगा एच स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, तो इसका हाफ थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखो क्योंकि इसमें आप मान लो कि यहाँ पर 0 पुट करता है तो आंसर क्या आएगा, 0 बाय 0 ही फॉर्म आएगी, तो दिक्कत है ना उससे, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, यहाँ 4x था ना, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 2h, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया 11th क्लास वाला, इसमें हमारे पास क्या था कि जो भी यहाँ पे फॉर्मूला होता ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1, तो हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए हमारे पास जो एंगल ना सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2h है और स्केयर है, तो बाय में हमें एंगल का स्केयर चाहिए ना, तो बाय में हमें 4h स्केयर चाहिए, है ना। 2 का स्केयर क्या होता है 4, तो हमारे पास h स्केयर तो है 4 नहीं है, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो आएगा ना, ये क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, है ना। देखो 8 मल्टीप्लाई लिमिट यहाँ पे लिख दे 2h, क्योंकि अगर h 0 की तरफ चल रहा है तो 2h भी क्या होगा 0 ही बनेगा, है ना। साइन स्केयर 2h बाय में 4h स्केयर, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर आ गया, 8 इंटू 1 8 आ गया, ठीक है। अब ऐसे निकाल लेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस कोस 4x बाय में एक्स स्क्वेयर, फंक्शन वही चलेगा हमारा, है ना। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 प्लस h, एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 जहाँ पे x था वहाँ क्या पुट करना है, 0 प्लस h, यानी कि h ही पुट करना है, तो ये 1 माइनस 4h और बाय में क्या हो जाएगा एच स्क्वेयर, ठीक है। देखो अब ये सेम हमारा ऐसे ही बन गया ना, तो जैसे हमारे पास इसका आंसर 8 आया था, अब वैसे ही हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा, सोल्व कर लो इसके बाद तो ना, सेम ऊपर वाला इधर है, इसका आंसर भी क्या आएगा 8 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या एफ ऑफ ए लिख दो यहाँ पे, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 8 है यहाँ पे, क्या वैल्यू थी, 0 थी क्या, एफ ऑफ 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
यहाँ पे क्या आता है, एफ ऑफ ए आता है ना, एट तो वैल्यू आई है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल आई है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो हमारे पास इसके इक्वल थी एफ ऑफ 0 के इक्वल आई ना, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी वैल्यू 8, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या है, मोड ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, और यहाँ पे दे रखा है 1, तो करते हैं इसको स्टार्टअप। तो इसके बाद हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास मोड गिवन है, तो दिक्कत क्या है, मोड में हमारे पास मोड खुलता है ना तो आता है प्लस और माइनस का। तो ये फंक्शन जो है ना, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार तो ये फंक्शन बनेगा माइनस का, है ना, कब, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। एक बार ये फंक्शन हमारा 1 ही रहेगा जब एक्स की वैल्यू 0 है, वो में गिवन है, जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना तब फंक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ी होगी तो, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन फंक्शन यहाँ पे, तीन वैल्यू हमारे पास आ गई इस फंक्शन की, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब देखो जहाँ पे इसको पता ही होगा आपको कि जहाँ होता है ना लेस देन इक्वल टू, वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। जहाँ होता है हमारे पास साइन ग्रेटर देन का, या फिर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, वो क्या होती है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेनी हमारे पास फंक्शन, यहाँ पे निकाल लेंगे अब अपना इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, कौन सा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट में ही बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ये हमारे पास लेस देन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस माइनस साइन एक्स बाय में एक्स। अब क्या करना है कि जहां पे एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस एच, ठीक है, लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास, एच टेंड्स टू 0 माइनस, जहाँ पे साइन एक्स था ना क्या पुट कर देंगे, माइनस एच पुट कर देंगे, साइन ऑफ माइनस एच, और बाय में क्या पुट हो जाएगा, माइनस एच, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन कोसिकेंट में जो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है, कोसिकेंट में माइनस कंज्यूम हो जाता है। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये माइनस 12 के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, साइन एच, जो बाय में एच है ना माइनस का, उसको लग दे माइनस का 1 ये वाला, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन गया फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूले से 1 बन गया, 1 इंटू माइनस 1, आंसर क्या आया, -1, ठीक है। ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा लेना है, जिसमें 0 से बड़ा है वो फंक्शन लेना है, और किस में 0 से बड़ा, साइन एक्स बाय एक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस h पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और साइन h था x था, वहाँ क्या पुट करना है, 0 प्लस h, मतलब h पुट करना है, साइन h और बाय में h। इसका फॉर्मूले के हिसाब से आंसर क्या होता है, 1, और पहले हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, -1। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपस में इक्वल नहीं आया राइट हैंड लिमिट के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस कब, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इसके इक्वल तो बाद में चेक करेंगे, हमारे पास जब हमारे पास लिमिट इक्वल नहीं आई आपस में, तो इसका तो हमारे पास कोई रोल बचता ही नहीं। जैसे मान लो, अगर मान लो हमारे पास ये दोनों तो आपस में थी ना, -1 और -1 आती है वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्लस का 1 है, तब भी आपका आंसर क्या आता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमें जो है तीनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए आपस में तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे पास फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट हमारे पास, यहाँ पे चेक करना फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, तो हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ 1 अपॉन में एक्स माइनस ए, और जब एक्स की वैल्यू ए है
तो हमारे पास फंक्शन क्या है, जीरो। ठीक है, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स माइनस ए कोस ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, ए माइनस एच पुट करना है। ठीक है, तो एज एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एच टेंड्स टू जीरो, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, ए माइनस एच, और ये हो जाएगा ए माइनस एच माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, लिमिट क्या चलेगी हमारे पास, एच टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एच कोस ऑफ, यहाँ पे भी ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस वन बाय एच। ठीक है, और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच मल्टीप्लाई कोस ऑफ वन बाय एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर पुट करते हैं ना जीरो एच की वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे वन बाय जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड है वो वैल्यू। ठीक है, पर वो किस में है, वो एंगल में है, वो वैल्यू बाहर नहीं है ना एंगल से, तो एंगल में वैल्यू है। अब एंगल किसका है, कोस का है, और कोस की रेंज में पता है कहाँ से कहाँ तक होती है वैल्यू, माइनस वन से वन तक क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो चाहे हमारे पास एंगल कुछ भी आ जाए, कोस की वैल्यू जो है वो इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड ना लिख के यहाँ हम लिखेंगे ये वाली रेंज। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर ये एंगल से बाहर होता ना, तो फिर हमारे पास दिक्कत थी, फिर हम उसको सोल्व करना पड़ता कुछ भी करते, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल के अंदर चाहे कितना ही बड़ा एंगल आ जाए, वैल्यू इससे बाहर जानी नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा, माइनस वन से लेके वन तक इंटरवल की फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए, अब हमारे पास यहाँ पे है राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, फंक्शन वही रहेगा एक्स माइनस ए इंटू में कोस ऑफ वन बाय में एक्स माइनस ए। ठीक है, अब जहां पे एक्स है वहां क्या पुट करना है, ए प्लस एच। ठीक है, अब लिमिट हमारे पास क्या बन जाएगी, एच टेंड्स टू जीरो ए प्लस एच माइनस एच कोस ऑफ वन बाय ए प्लस एच माइनस ए, ये माइनस ए था यहाँ पे भी, एच नहीं था। ठीक है, तो माइनस ए से प्लस ए कट गया दोनों जगह पे, तो ये हमारे पास अब क्या बच गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो यहाँ पे बच गया एच, और ये क्या हो गया, कोस ऑफ वन बाय एच। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे एच वहाँ क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे वहाँ पे, तो ये क्या आएगा, जीरो इंटू, फिर से वही बात आ गई ना, ये हमारे पास रेंज क्या आएगी, माइनस वन से वन तक क्लोज इंटरवल, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, जीरो आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट थी जीरो, वही हमारे पास हाई राइट हैंड लिमिट, और वही हमारे पास था एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ जीरो। देखो यहाँ पे जीरो था ना ये, तो तीनों हमारे पास आपस में इक्वल आ गया ना, इसका मतलब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। इसके बाद क्या लिखना है, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ए यहाँ पे ए है, ये मिस्टेक हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखना है इसके बाद, हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट होती है ना उसी पे हम बात करेंगे, अगर ए है तो ए, जीरो है तो जीरो, जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, तो इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास है, सेम क्वेश्चन है, चेक करना है कि एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे लेस देन वन है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे वन से बड़ा या उसके इक्वल है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो चेक करेंगे, एक बार निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, एट एक्स इज इक्वल टू वन पहले हमारे पास यहाँ पे है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है,
तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, वन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टेंड्स टू वन माइनस, फंक्शन कौन सा आएगा जिसमें लेस देन हो, 5x-4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पुट कर देंगे 1-h। ठीक है, हमारे पास अब लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू जीरो 5×1-h-4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो 5-5h-4। अब जहाँ पे h है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये 0 हो गए तो 5-4, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंपल है बिल्कुल। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पे, लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1+ हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा 4x²-3x। अब क्या करना है, यहाँ पे पता होगा सबको, अब तो पुट x इज इक्वल टू 1+h, तो लिमिट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी h टेंड्स टू 0 4×1+h का होल स्क्वायर 3×1+h। ठीक है, अब चाहे आप इसका होल स्क्वायर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे मत खोल कभी, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी, इसको आगे सोल्व करो उसके बाद h इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तब भी एक ही बात है, या फिर यहाँ पे सीधा पुट कर दो h इज इक्वल टू 0 बिना होल स्क्वायर खोले, तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 4×1+0 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3×1+0 1 होता है, और एक आंसर क्या आएगा, लिमिट नहीं रहेगी यहाँ पे, सॉरी 4-3, आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट पुट कर चुके हैं h इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया। पहले हमारे पास आंसर क्या था, 1। इसके बाद क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। समझ गए इतनी बात, ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, ध्यान से करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ हमें चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, एट एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन हमारे पास साइन एक्स बाय एक्स प्लस कोस एक्स, जब एक्स 0 से बड़ा हो, जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो आंसर 2 है, जब एक्स छोटा हो 0 से तो आंसर हमारे पास है 4×1−√1−x/x। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहले वही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास बनेगी अपनी, बड़ा है 0 से तो इसमें हमारे पास बन जाएगा हमारे पास राइट हैंड लिमिट, और ये छोटी है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो कंसेप्ट तो वही है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पहले चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन क्या आएगा जिसमें छोटा हो 0 से, अब यहाँ पुट करते हैं हम 0 तो हमारे पास दिक्कत क्या आएगी, बाय में 0 आ गया ना, ठीक है, समझ गए, तो इसके बाद दिक्कत आएगी हमारे पास, ये हो जाए नॉट डिफाइंड, तो इसलिए जहाँ जहाँ हमें मिले ना रूट वाले क्वेश्चंस, उनमें मोस्टली क्वेश्चंस में हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, उसके बाद पुट करेंगे 0-h। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया इसको, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 -4×a-b×a+b a²-b², इसका स्केयर क्या हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, बार माइनस है तो 1 माइनस का हो जाएगा और x प्लस का हो जाएगा, अपॉन में x इंटू, ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 -4/1+1-x। अब जो है इसको पुट करेंगे 0-h, फिर हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4/ पुट किया वहाँ पे माइनस का h है तो प्लस का h हो जाएगा ना, ये ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का h, उसके बाद पुट h इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास ऊपर तो 4 चलेगा, ऊपर तो h है ही नहीं, 1+, ये 0 हो गया, रूट 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1+1 2, 2 2 4, ये भी हमारे पास क्या था, 2।
देखो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे आंसर था 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, तो आगे ना हमें इसके बाद लिमिट निकालनी नहीं दूसरे वाले लिमिट, क्योंकि हमारे पास ये अगर फंक्शन जो है वो इसके इक्वल ना आए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। हाँ अगर दोनों हमारे पास ये इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन बनेगा कंटिन्यूस, तो उसके बाद फिर हमें उसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास लिमिट चलेगी एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और जो फंक्शन हमारा वो आएगा जिसमें 0 से बड़ा हो ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाय एक्स प्लस में फंक्शन हमारा क्या है कोस एक्स। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे 0 प्लस एच। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस एच बाय में 0 प्लस एच। इस लिमिट को करते हैं अलग अलग, एक बार यहाँ पे करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस एच, तो साइन एच ही होता है, और बाय में 0 प्लस एच एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ एच। अब इसके बाद क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1, और ये हमारे पास क्या होता है कोस 0 1 होता है ना, तो 1 प्लस 1 2, ठीक है, इक्वल आ गया हमारे पास। अब क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 इज इक्वल टू क्या है 2, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं इस लेक्चर में, बाकी क्वेश्चन बाकी हैं इस टॉपिक के, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।